हेलो गाइस, तो मैं आज सोच रहा हूँ अगर आज चेन्नई मैच जीत जाती, जो कि कई सालों से तो जीती नहीं है। सॉरी। अरे मतलब कई सालों से, मतलब कई दिनों से चेन्नई मैच जीती नहीं, बट आज का मैच होने वाला बहुत ही रासू, मतलब बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला। तो चेन्नई सबसे पहले टॉस कर लेते, और अब टॉस यहाँ पर टेल्स चूज किया विराट कोहली ने, और यहाँ पर उसी के साथ टॉस वो हारते और चेन्नई ने टॉस जीत लिया। और देखते क्या लेते इस बार एमएस धोनी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। अरे बाल क्यों कटवा रही हो तुम्हें? यार मेरे बीवी ने मेरे सोने की बात काट दी ना। तो पहले बैटिंग करती हुई चेन्नई की टीम, और पहली ओवर लेके आ चुके नवदीप सैनी। तो देखना होगा आज का मैच होता है क्या आज के मैच में। कमान सैनी, अगर विकेट लेता है तो वड़ा पाव खिलाऊंगा तुझे, एक नहीं दो जो भी। और नवदीप सैनी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अभी तक करते हो, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और अब दूसरी ओवर लेके आएंगे उड़ाना, और ये देख, ओ भाई साहब, मतलब ये सीधे हाथों में मार दी। ओ भाई ये क्या हो गया? शॉट तो बहुत जोरदार था, बट गया सीधा फील्डर के हाथ में, और उसी के साथ चेन्नई एक बार फिर एक पर एक विकेट गिर चुकी है। आप देखना होगा आगे किस तरह का। और ये ओवर बहुत ही बढ़िया रहा है जी, बिल्कुल से पांच गेंदों में कोई रन नहीं आया, बट यह शॉट खेला इस बार फील्डर को क्लियर करेंगे और बाउंड्री निकालेंगे। तो मैं बोल रहा था कि अगर मतलब अगर आज चेन्नई मैच जीती है तो छोड़ो यार, अगर चेन्नई जीती या नहीं जीती वो तो पता नहीं, कोई भी मैच जीतता है तो मैं अपने वर्ल्ड सीरीज 3 का करियर मतलब गिव अवे करूँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप भी अगर लकी यूजर बनते हैं, व्यूअर बनते हैं, तो आपको मिल जाएगा मेरा वर्ल्ड सीसी का करियर। उसके लिए बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करनी है और आपको कमेंट करनी है, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना करना है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं देना करना पड़ता, आपको सब कुछ फ्री में है, सब कुछ फ्री में आपको करना है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर दीजिए। तो जो लकी व्यूअर्स होगा उसको मिलेगा मेरा वर्ल्ड सीसी का करियर मोड का गिव अवे। तो चलिए आगे होता क्या है मैच में, बिल्कुल से 10वीं ओवर अभी चल रही है, और वाशिंगटन सुंदर को लगे बढ़िया बाउंड्री, और उसके बाद लगा फिर से छक्का, बहुत ही शानदार शॉट है, बढ़िया 10 रन तो आ चुके हैं 3 गेंदों में 10वीं ओवर में। यहाँ पर विराट कोहली भी कुछ समझाते हैं, तो अब ये 3 गेंदों और ये चौथी गेंद, मतलब आप तो ले भाई तुम ले बस, टपा डप। तो इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं 16 रन, तो आगे देखना होगा। ये गेंद जरूर फिर से शॉट खेला, बट इस बार फील्डर पीछे मौजूद होंगे और एक सिंगल आएगा। इस बार क्रिस मॉरिस यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं 11वीं ओवर, कमाल की ओवर अभी तक करते, 3 रन अभी तक आए जरूर है, बट यहाँ पर बहुत ही कमाल की ओवर युजवेंद्र चहल आते हैं। फिर से देखना होगा कोई विकेट होगा हासिल कर पाएंगे, 2 ही विकेट अभी गिरे, और यहाँ पर शॉट खेला और ये गेंद जाएंगे बाउंड्री में के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी चेन्नई के बल्लेबाज, आज जरूर थोड़ी खुश होंगे क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अभी तक, विकेट ज़्यादा कोई नहीं है टीम ने। और एक शानदार इनिंग यहाँ से अंबाती रायडू, बहुत दिनों बाद बढ़िया इनिंग खेलते हैं, और 50 यहाँ पर शानदार बाउंड, और उसके बाद यहाँ पर आप रुकेंगे नहीं भाई साहब, एक और शॉट आ रही है 6 रन के लिए, बहुत ही कमाल का शॉट था। देखना होगा एमएस धोनी भी क्रीज पे आ चुके हैं, और उनके साथ में अंबाती रायडू जो कि 79 रन पे खेल रहे, बट यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी नवदीप सैनी द्वारा, बहुत ही कमाल की, मतलब पहले 3 इस 5 गेंदों में यहाँ पर मतलब बस 4 रन खर्च करें 18वीं ओवर में। और अब मोहम्मद सिराज वो भी कमाल की, लास्ट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, शुरुआत में इतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं, बट क्या क्या बाउंड्री मिलेगी जी, बिल्कुल फील्डर के हाथ में 2 रन वहाँ पर बनेंगे। इस ओवर में अभी तक आए 6 रन, और ये चक्के के साथ हो जाएंगे 12 रन, ये ओवर जरूर अच्छा हुआ। अभी लास्ट गेंद और फिर से शॉट खेला है, यहाँ पर क्या पीछे फील्डर मौजूद है जी, बिल्कुल से यार एमएस धोनी आउट नहीं होनी चाहिए थी यार, मतलब ये बहुत बुरा सीन है मेरे लिए मैच के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा यार, मतलब एमएस धोनी इतनी जल्दी आउट होकर चले गए। अब लास्ट ओवर यहाँ पर जडेजा खेलने आ चुके, और अच्छे शॉट लगाते हैं, और ये बढ़िया यहाँ पर देख रहा हूँ लास्ट इनिंग की लास्ट गेंद, और जडेजा के बल्ले से आता एक छक्का, और इस ओवर में आए पूरे 4 छक्के आ गए, बिल्कुल से लास्ट ओवर में 4 छक्के आ चुके हैं, और उसी के साथ इनिंग ख़त्म होती हुई। यार न्याने मुझे ब्लॉक कर दिया, तू समझा रहा उसको, बस एक ही बार फन ब्लॉक कर दिया प्लीज। तो आ चुके हैं हमारे दोनों बल्लेबाज एरॉन फिंच और पड्डिकल, मतलब पड्डिकल है या पड्डिकल है, मतलब मुझे पता नहीं यार ठीक से नाम, तो देखते हैं आप ही बता दो यार। पहली गेंद यहाँ पर वाइड गेंद के साथ शुरुआत, और शाहरुख खान की तरह अंपायर भी बताते हो भैया वाइड गेंद है, तो देखना होगा अभी होता क्या है नेक्स्ट गेंद में। और यहाँ पर बड़ा शॉट आता है, और बहुत ही शानदार शॉट, गेंद जाएगी बाहर 6 रन के लिए, क्या कमाल का शॉट था।
तो नेक्स्ट गेम में अभी क्या होता है देखना होगा। यहाँ पर शॉट खेलने की कोशिश थी बट बल्ले के टॉप पेस्ट और यहाँ पर पीछे गई, शायद दो रन से आ जाएंगे उस गेंद पर। और यहाँ पर पहली ओवर में 14 रन बनाने के बाद दीपक चहर सेकंड ओवर लेके आ चुके हैं और उसमें कितने रन आते हैं अभी देखना होगा। यहाँ पर बड़ा शॉट आता और बहुत ही बढ़िया शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद गई सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। और यहाँ पर शॉट सीधे, यहाँ पर एक रन शायद डबल के लिए ट्राई करेंगे जी बिल्कुल से जडेजा कुछ बोलते हुए। यहाँ पर टीम को देखना होगा शार्दुल ठाकुर की शोर में कितने रन यहाँ पर अपील किए, यहाँ पर क्या विकेट गिरेगी जी बिल्कुल से जी नोट आउट दिया अंपायर ने जी सोचते हुए जरूर, बट यहाँ पर DRS लेंगे नहीं क्योंकि जानते हैं जो विकेट नहीं है। यहाँ पर बाहर की ओर यहाँ पर थोड़ी जगह बनाई और इसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट देवधर पड्डीकल के द्वारा, बहुत ही बढ़िया अभी तक होती हुई और देखना होगा। इस बार सीधा हाथों में मारो सीधा दौड़ पा रहे, मतलब यहाँ पर पहुंच गए बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। एक विकेट जरूर गिर गई है बट यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होती है। 80 रन हो चुके हैं, अभी 9वीं ओवर चल रही है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी बैंगलोर की ओर से ये मुकाबला में अभी उनकी पकड़ बनती हुई अच्छी खासी। एक ही विकेट अभी गिरी, 9वीं ओवर चल रही है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभी वो यहाँ पर अच्छी गेंद। इस ओवर में अभी तक एक ही रन आया और ये करा रहा स्ट्रोक और ये गेंद जाएगी बाहर 4 रन के लिए। कमाल का शॉट था, मतलब ये बहुत ही बड़ा शॉट, इस शॉट के लिए तो लाइक बनती है भाई। अभी जो भी वीडियो देख रहा है अभी लाइक कर दो और शायद ये विकेट यहाँ पर क्या मिल गई जी बिल्कुल से अपील किए। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब ये शॉट मतलब आप रिवर्सिप किस लिए घुमा रहे, मतलब फास्टर पर यहाँ पर रिवर्सिप लगा रहे भाई साहब, मतलब मैंने उस साइड घुमाया जरूर बट वहाँ पर रिवर्सिप कैसे चली गई मुझे समझ नहीं आता उस साइड में। अभी विराट कोहली 35 रन बनाए, टीम के लिए अच्छा योगदान दिया फिर भी कह सकते हैं हम, और 24 गेंदे 44 रन, ब्रावो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज जरूर है बट यहाँ पर डबल के लिए ट्राई करेंगे बिल्कुल से 2 रन वहाँ पर निकाल लेंगे। और यहाँ पर शॉट खेला है बट यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद होंगे, ए बी ड्यूलर्स अभी क्रिस पर है वो यहाँ पर बढ़िया खेल सकते हैं। एरन फिंच का शॉट और गेंद जाएगी सीधे हाथों में, बहुत ही बढ़िया ओवर ये चलने के लिए। एक और विकेट झटकते हुए बिल्कुल से बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल से बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट विकेट टीम को मिलती है। 54 रन बना के एरन फिंच को लौटना होगा और अभी क्रिस मॉरिस और एबी ड्यूलर्स से, और एबी ड्यूलर जब तक क्रिस पे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, फिर से बढ़िया शॉट यहाँ पर, बहुत बढ़िया शॉट चाहिए बल्लों के बीचों बीच गेंद लेकर गेंद जाएगी 15 गेंदों में 31 रन चाहिए। क्रिस मॉरिस स्ट्राइक पर यहाँ पर डबल के लिए शायद ट्राई करें बिल्कुल से, 2 रन यहाँ पर बनते जी बड़े आराम से 2 रन आ जाएंगे वहाँ पर। 12 गेंदे 27 रन, 11 गेंदे 25 रन, आप टीम को जीत के ले जाइए। एबी ड्यूलर्स स्ट्राइक और डॉट गेंद, 10 गेंदों में आप 25 रन चाहिए और यहाँ पर बड़ा शॉट आएगा और गेंद जाएगी बाहर 6 रन के लिए। अब एबी ड्यूलर्स आते हैं फुल फॉर्म में और यहाँ पर देखना होगा कौन सा शॉट है। और एक छक्का जी बिल्कुल से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, छक्के के पीछे छक्का लगता है और यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई लास्ट ओवर यहाँ पर, और छक्के के साथ शुरुआत यहाँ पर 12 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, पहली गेंद में छक्का आ गया, मतलब अब बस 6 रन चाहिए 5 गेंदों में 6 रन। उसी के साथ यहाँ पर एबी ड्यूलर्स के शानदार बहुत ही बढ़िया हाफ सेंचुरी पूरी होती है 31 गेंदों में 52 रन यहाँ पर। अभी देखना होगा क्या करती है चेन्नई की टीम, 5 गेंदों में 6 रन चाहिए यहाँ पर। मेरे पैरों में गेंद जाएगी सीधी स्टेडियम के अंदर 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ पर। RCB ने अपने नाम किया और एक बार फिर चेन्नई को हारी के हाथ लगी और इसी साथ ही मुकाबला यही खत्म होता हुआ।